सावित्री की बहू को अपनी सरकारी नौकरी और खूबसूरती का बहुत घमंड था। बहू का व्यवहार भी ठीक नहीं था। अब सावित्री तो जैसे तैसे बहू के साथ निभा रही थी, लेकिन फिर एक दिन कामिनी काम वाली बाई चंदा को आवाज देती है। चंदा, मेरी कॉफी कहाँ है? आई बीबी जी, ये रही आपकी गर्मा गर्म कॉफी। वाह चंदा, तुम्हारी हाथों की कॉफी का तो जवाब ही नहीं है। कुछ काम है क्या? खड़ी क्यों हो? जो बोलना है जल्दी से बोलो, मुझे ऑफिस जाने के लिए तैयार भी होना है। बीवी जी, मेरी बेटी की तबीयत 2 दिनों से बहुत खराब है। कल डॉक्टर साहब को दिखाया था, वो बोले कि बिटिया को टाइफोइड हुआ है। तो बीवी जी, आदमी तो फैक्ट्री में काम करे वास्ते चला जाता है, बिटिया को अकेले कैसे छोड़कर काम पर निकलूं? मुझे 1 हफ्ते के लिए। 1 हफ्ता? तुम समझ रही हो तुम क्या बोल रही हो? अरे तुम नहीं आओगी तो काम कौन करेगा? अरे कोई छुट्टी बुट्टी नहीं मिलने वाली। बीवी जी, मैंने किसी से बात कर ली है, एक दोस्त है मेरी, ललिता नाम है उसका, वो आ जाएगी काम पर। अच्छा तो ठीक है, काम तो अच्छे से कर लेगी ना, या मुझे बताने में अपना समय बर्बाद करना होगा? ना ना बीबी जी, बड़ी बीबी जी एक बार उसे बता देंगी तो सब काम कर लेगी, बड़ी होशियार है। अच्छा ठीक है, जाओ और कल उसे समय पर भेज देना, लेट लतीफ लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तभी सास आ जाती है। बहू, कल तुम्हारी बुआ सास बनारस से आ रही है। तो कुछ करना नहीं है, बस बहू की तरह रहना, ये एटीट्यूड कुछ दिनों के लिए काम रखना, ठीक है? माँ जी, आप क्या कहना चाहती हैं? बहू शुरू होने ही वाली थी कि पति आ जाता है। कामिनी, काम डाउन। माँ तो बस ये कहना चाहती हैं कि वो जो बोले बस प्यार से हाँ में हाँ, ना में ना मिला देना, क्योंकि बुआ जी ना थोड़े पुराने ख्यालों की है। माँ जैसी तो बिल्कुल भी नहीं है कि तुम्हारी बात बर्दाश्त कर ले। वाह राजेश, हर कोई मुझे लेकर ज्ञान ही बांटता रहता है, अपनी हरकतें देखी बिल्कुल गवार की तरह है, जिसे खुद वैसे ही रिश्तेदार भी। आप लोगों से बहस करूंगी तो मुझे ऑफिस जाने में देर हो जाएगी। बहू के जाने के बाद सास सर पकड़कर बैठ जाती है। अरे क्या करूं इसका, इसकी वजह से हमारे पड़ोसियों ने भी अब घर में आना बंद कर दिया है। फिर शाम को, अरे दीदी आप, वाह जी वाह, बहुरानी भी आई है, आई 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 है। बुआ सास की बहू इतनी सुंदर और शांत सरल स्वभाव की कि उससे किसी की नजर ही नहीं हटती। अरे कामिनी बहू, आजा बेटा मेरे पास थोड़ा बैठ, सुबह से आई हूँ, अभी जाकर तू नजर आई। तेरी सास इतनी तारीफ करती है कि मन में आया कि चलो तुझसे एक बार मिल ही लूं। थोड़ा मेरी बहू को भी अपने जैसा बना दे। हाँ हाँ दीदी, क्यों नहीं। लेकिन आदत के अनुसार कामिनी, मेरी जैसी? अरे सरकारी नौकरी है मेरी, ऊपर से अधिकारी, अब आपकी बहू की तरह घर पर तो बैठ नहीं सकती, क्यों? बुआ तो कामिनी का जवाब सुनकर दंग रह गई। उनकी नजर सावित्री पर गई जो सर झुकाए खड़ी थी, जैसे मानो आज उसकी पोल खुल गई हो। ऑफिस में बहुत काम होता होगा, आप थक गई होंगी ना, ये लीजिए चाय और गर्मा गर्म समोसा। वाह, चाय के साथ समोसा, कौन से मार्केट से लेकर आए हो राजेश? मार्केट से नहीं लाया कामिनी, आराध्या ने खुद बनाया है। तभी आराध्या का कॉल आता है। जी मिस पिंटो, सब कुछ वहाँ सही है ना? पिंटो जो कि एक नर्स थी। नहीं डॉक्टर, जिस पेशेंट का आपने सर्जरी किया था वो आपसे मिलने के लिए बेताब है। अरे पर मैं नहीं आ सकती, आपको भी पता है ना? डॉक्टर, बस आप वीडियो कॉल करके उनका हालचाल पूछ लीजिए, वो खुश हो जाएंगी। ओके ठीक है। कामिनी काफी देर से आराध्या की बातों को समझने की कोशिश कर रही थी। क्या हुआ आराध्या, सब ठीक तो है ना? कोई अस्पताल में है क्या तुम्हारा? नहीं भाभी, एक पेशेंट है जिसका मैंने अभी ऑपरेशन किया था, वो मुझसे मिलना चाहता है, लेकिन परिवार का वक्त मैं किसी और को क्यों दूँ? अब जिद कर रहा है कि वीडियो कॉल पर बात करूँ, इसीलिए बस उन्होंने फोन किया था। कामिनी को तो मानो साफ सुन गया था। तुम्हारा पेशेंट? हाँ कामिनी बहू, आराध्या एक न्यूरो सर्जन है। कामिनी जो अब तक समोसे का स्वाद ले रही थी, उसके हाथ हवा में ही रह जाते हैं। अब तुम बनारस की आर्यन हॉस्पिटल की बेस्ट न्यूरो सर्जन हो डॉक्टर आराध्या? आराध्या कुछ नहीं कहती, बस मुस्कुराकर हामी भर देती है।
भाभी एक मिनट, किसी का कॉल आ रहा है। ऑपरेशन से पहले तो तुम कितना कुछ बनाकर मेरे लिए घर से लाती थी, अब जब ऑपरेशन हो गया तो मुझे हॉस्पिटल का बेकार सा दलिया खाना पड़ रहा है। मुझे तुम्हारे हाथ का दलिया खाना है। बिल्कुल दादी, जरूर खिलाऊंगी। क्या करे, परिवार और घर भी तो देखना जरूरी है ना। वापस आकर पक्का। आराध्या जितने प्यार से अपने पेशेंट से बात कर रही थी, ये देखकर सावित्री की आंखें नम हो गई। दीदी, आपने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे जो आपको आराध्या जैसी बहू मिली। इतनी बड़ी डॉक्टर और घमंड जरा भी नहीं। मामी जी, घमंड किस बात का? वो याद है ना राज कपूर का गाना, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। वाह, कितना मीठा गाती भी हो। अरे यार, क्या क्या खूबियां हैं तुम में। कामिनी राजेश के मुंह से आराध्या की तारीफ सुनकर परेशान हो जाती है। आराध्या न केवल एक बनारस की बेस्ट न्यूरोसर्जन थी, बल्कि एक अच्छी बहू भी। ये कैसे, जहां शादी के 2 सालों में कामिनी किचन में भी कभी नहीं गई थी, वही आराध्या। दीदी, आप तो सचमुच बहुत किस्मत वाली हो। अच्छी शिक्षा के साथ बहू के पास अच्छे गुण भी है। जीती रहे बेटा। काश मेरी शादी भी किसी ऐसी ही लड़की से हो जाती जो पैसों के साथ घर का काम करे ना करे, लेकिन लोगों से 2 मीठे बोल प्यार के बोल लेती। नहीं नहीं, कामिनी बहू जो बोल रही है वो ठीक बोल रही है। अरे बाहर जाकर नौकरी करना कोई आसान बात नहीं, और बेटी होकर इतने बड़े पद को संभालना भी तो आसान नहीं। बुआ की बात सुनकर कामिनी के आंख में आंसू आ जाते हैं। मैं समझ गई कि जीवन की असली कमाई क्या है। वैसे कार चलाना भी आता है मुझे। आराध्या, कल ना मैंने छुट्टी ली है, कल मैं आप सबको शहर घुमाने ले चलूंगी। राजेश धीरे से, माँ ये अपनी कामिनी ही है ना, अचानक से इतना बदला। अरे कभी कभी देर सवेरे गलती का एहसास इंसान को हो ही जाता है। शायद आराध्या को देखकर उसे खुद में शर्म महसूस हो रही होगी, लेकिन चल ठीक है ना, हमें हमारी अच्छी वाली बहू मिल गई, और क्या चाहिए। रात में कामिनी ने न केवल सबके लिए खाना परोसा, बल्कि अपने परिवार के संग बहुत देर तक बातें भी करती रही। आज सावित्री के घर में सही मायने में खुशियां आई। निहारिका की शादी जॉइंट फैमिली में हुई थी, लेकिन अकेले घर में राज करने वाली निहारिका जब भरी पूरी ससुराल जाती है तो क्या रहता है माजरा, देखिए जरा। निहारिका बेटा, तुम कहीं जा रही हो क्या? हाँ माँ, वो अपने लिए कुछ कपड़े लेने थे। फिर अपनी ननद को भी लेती जाना, कब से शोर मचा रही थी कि उसे फुलकारी का दुपट्टा चाहिए। अरे संजय, तू बीवी के साथ बाजार जा रहा है ना, इधर आ। जी माँ, आपने बुलाया। देख, आजकल ना मेरे कमर में दर्द सा रहता है, तू एक बेल्ट लेते आना, शायद इससे ही कुछ राहत मिल जाए। संजय, मेरा चश्मा भी टूट गया है, इसे ठीक करवा दे बेटा। भाई देखो ना, कल मेरे कॉलेज का फ्रेशर पार्टी है, मुझे एक ब्लैक टी शर्ट चाहिए। अरे तुम सब लिस्ट बना दो, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा। और माँ, और भी कुछ मंगवाना हो तो बता दो। अरे चाट वाले के यहाँ से समोसा चाट लेते आना। अरे कल ही तो चाट पापड़ी खाए थे, बुढ़ापे में बिल्कुल चटोरे होते जा रहे हो। अब तुम इतना लगाम कसोगी तो यही हाल होगा ना। लगाम कसने पर तो ये हाल है, नहीं कुछ कहती बस। माँ रहने दो ना, लेकर आ जाऊंगा। वैसे भी पापा थोड़ा सा ही टेस्ट तो करते हैं, पापा के नाम पर तो हम सब खाते हैं। चलो निहारिका। संजय, मैं आपके साथ अकेले में शॉपिंग करना चाहती थी, और डिनर भी बाहर करने का मन था, लेकिन शायद ये छोटी सी ख्वाहिश भी मेरे लिए एक सपना सा है। निहारिका, ये मेरा परिवार है और मैं घर का बड़ा हूँ, तो सभी को मुझसे उम्मीदें रहती है ना। और मेरी उम्मीदों का क्या संजय जी, शादी को 1 महीना हो गया है, थोड़े से घंटे भी हम साथ नहीं रह सकते क्या? तुम तो सब कुछ देख रही हो,
फिर ऐसी बात क्यों? मैं देखकर क्या करूं? क्या आप मेरे साथ वक्त बिताना नहीं चाहते या मैं ही कुछ ज्यादा सपने देख रही हूँ? चलो, लेट हो रहे हैं हम लोग। कार में तुम्हारी ननद इंतजार कर रही होगी। रात के 9 बजे सभी घर पहुंचते हैं। बेटा, मैंने सब्जी बना दी है और आटा भी गूंथ लिया है। मेरे कमर में दर्द है इसलिए खड़े होकर रोटी तो नहीं बना सकती, बस रोटी सेकनी है। जी, सेक दूंगी। कहता था ना तुम्हें कि निहारिका ही हमारा घर संभाल सकती है। सच में बहुत प्यारी बहू है हमारी। संजय, मैं इतना थक कर आई थी, आराम करना चाहती थी, लेकिन आते ही मुझे सबके लिए रोटी बनानी पड़ी। और तो और, आपकी बहन भी चुपचाप जाकर अपने कमरे में चली गई, ये नहीं कि मेरी मदद कर देती। अरे, उसका कल एग्जाम है। एग्जाम है तो हमारे साथ शॉपिंग पर क्यों आई थी? काम करने के वक्त एग्जाम? कैसी बात कर रही हो तुम? वो दिन रात पढ़ती रहती है, बाहर निकलने से थोड़ा उसे अच्छा फील हुआ होगा ना? आप ना बस मेरे अलावा सबके बारे में सोचते हैं। अरे, ऐसा क्यों कह रही हो निहारिका? मुझे यहाँ सच में घुटन सी होने लगी है। तभी ननद संजय के कमरे में आती है। रेवा, क्या बात है, इस वक्त तुम हमारे कमरे में? सॉरी भैया, दरअसल ना एक चैप्टर मुझे समझ में नहीं आ रहा था। अरे, तो पहले पूछना चाहिए था ना। कोई बात नहीं, ला अभी समझा देता हूँ। फिर मैं कहाँ जाऊँ? सॉरी, आज तुम रेवा के कमरे में सो जाओ ना, पता नहीं कितना वक्त लग जाएगा। अगले दिन, संजय जी, मुझे पापा के पास जाना है। अचानक? अचानक तो कुछ भी नहीं होता संजय जी, हमारी नई नई शादी हुई है, लेकिन हम कुछ देर आपस में बात भी नहीं कर पाते। और तो और, अपने मन से कुछ नहीं कर सकती मैं। कहीं घूमने जाओ तो कोई ना कोई पूंछ बनकर हमेशा साथ ही रहता है। एक कमरा है, वो भी शायद मेरा नहीं है। कभी भी कोई भी बिना नॉक किए मुंह उठाए चला आता है। उन्हें शुरू से मेरे कमरे में आने की आदत है ना, इसलिए वो समझ नहीं पा रहे हैं। मैं उन्हें समझा दूंगा, लेकिन निहारिका, रिश्ते कांच की तरह होते हैं, जरा सी खरोच आने पर टूट जाते हैं। बाकी तुम समझदार हो, तुम्हें परसों तुम्हारे मायके लेकर जाऊंगा, लेकिन बस कुछ दिन के लिए ही। अगले दिन, माँ, निहारिका को बहुत तेज बुखार है। हाय राम, मेरे भूल सी बच्ची को किसकी नजर लग गई, जल्दी से डॉक्टर को बुला ला। डॉक्टर के जाने के बाद, बहू तुम आराम करो और उठकर ये दलिया पी लो। नहीं माँ, मेरा मन नहीं है। अरे बहू, पी ले, ये शारदा है ना, मैं इसकी सास हूँ, लेकिन मजाल है जो इसने मुझे ऐसा दलिया खिलाया हो। क्या माँ, कितना सफेद झूठ बोलती हो। अरे झूठ क्या बोला मैंने, देख अपनी बहू के लिए कितना स्पाइसी दलिया बनाया है और मेरे लिए वो कैसा सादा वाला बनाती है। माँ, डॉक्टर ने मना किया है आपको इसलिए। हाँ हाँ, सब जानती हूँ। रेवा सुन, नीचे जाकर ना तेल लेकर आना, फैशन के चक्कर में बच्चे आजकल बालों में तेल भी नहीं लगाते। आराम से ऐसी ही बैठी रह बहू, हाँ मैं तुम्हारे बालों में अच्छे से तेल लगा देती हूँ। रेवा तेल लाकर दादी को देती है। दादी, रहने दीजिए ना, आप क्यों परेशान हो रही हैं? अरे इसमें परेशानी वाली क्या बात, जैसी रेवा वैसी तू मेरे लिए। इतनी प्यारी ननद के होते हुए मेरी भाभी को आप तेल लगाएंगी, मैं किस काम आऊंगी? तो फिर ठीक है, अपनी भाभी को तेल लगाने के बाद मुझे भी तेल लगा देना। दादी, क्या हुआ, कैसी पोती है मेरी, अपनी दादी के सर पर तेल भी नहीं लगा सकती क्या? दादी, आपको ना ड्रामा में होना चाहिए था। कुछ दिन बाद देवर अपनी भाभी के कमरे में आता है। भाभी देखिए, मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ। वाह, पानी पूरी, आपको कैसे पता कि ये मेरा फेवरेट है? अरे भाभी, लड़कियों के बारे में पता लगाना कौन सी बड़ी बात है, सभी लड़कियों को पानी पूरी पसंद ही होती है। रोहित, ये सब क्या उठा कर लाए, अभी तो बीमारी से उठी है और तुम ये सब। आप तो खुद कुछ लाते नहीं और जब रोहित लेकर आया है तो उसे भी सुना रहे हैं। भाभी, आप पानी पूरी खा रही हैं, रोहित भैया
फिलहाल ये सब भाभी के लिए सही नहीं है। अरे मोटी, तेरे लिए भी लेकर आया हूँ, नीचे जा, किचन में रखा हुआ है। वैसे भाभी आपके लिए गिफ्ट भी है। गिफ्ट? मैंने आप दोनों के लिए दो मूवी के टिकट लिए हैं। मालूम है शादी के बाद आप दोनों एक साथ समय ही नहीं बिता पाते, इसलिए मैंने आपके लिए प्रोग्राम बना लिया। आप और भैया जल्दी से तैयार हो जाइए और आज डिनर भी बाहर खा कर आना। अरे इतना कुछ करने की क्या जरूरत थी? अपनी प्यारी भाभी के लिए इतना नहीं कर सकता मैं। वो कमरे से बाहर चला जाता है। संजय मुझे माफ कर दीजिए, शायद मुझे इतने लोगों के बीच रहने की आदत नहीं थी, लेकिन इनका प्यार देखकर आज मुझे अपनी सोच बहुत छोटी लगी। ऐसा परिवार छोड़कर भला मैं कहाँ जाऊंगी? संजय निहारिका को गले लगा लेता है।